से इस जादू का तोड़ बताओ, वरना तुम हमेशा के लिए ऐसी मूर्ति बन जाओगी जिस पर कोई चिड़िया भी अपना घोंसला नहीं बनाएगी। बताओ जल्दी। महारानी ने जो गड्ढा पूरी दुनिया के लिए खोदा था उसमें खुद ही गिर गई, वो भी एक बच्चों से धक्का खाकर। धिक्कार है। ये क्या किया विवान? अब अपनी माँ बहन मस्ती परी बालवीर सबको कैसे ठीक करोगे आप? इस जादू का तोड़ तो सिर्फ भैरानी जानती थी। वैसे ये हमारी शिकायत नहीं है क्योंकि अब भैराजा कालों के राजा बनेंगे और मैं उनका सेनापति भैराजा। तोबा तोबा, तेरी ये इच्छा मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगा। ए, 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 नन्नी उंगली तुम क्या कर लोगे? मैं भैरानी के ऊपर वो डालूंगा, वो अमृत जल, और फिर भैरानी ठीक होके तुम दोनों की ऐसी तैसी करेगी। देख चुप। अमृत जल? बेवकूफ चपदौली, बेवकूफ क्या बोले जा रहा है? इनको कौन सा पता है कि वो अमृत जल है कहाँ? पता तो हम में से किसी को भी नहीं है कि वो अमृत जल है कहाँ। इसका मतलब भैरानी मूर्ति बनी रहेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें किसी भी तरह से तिमनासा को जल्द से जल्द ठीक करना होगा। सुना पुगुने, चपदाली ने क्या कहा कि अमृत जल छिड़कने से इस जादू का इलाज हो सकता है? लेकिन काल लोक में हम ढूंढेंगे कहाँ? अमृत जल कहाँ ढूंढना है? उसका इशारा खुद हमें तमनासा दे रही है। चलो परी, अमृत जल लाने। ये तो कोई प्राचीन मंदिर का खंडर लगता है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ कालोक में भगवान राम जी का मंदिर, कहीं ये भी तमनासा को कोई धोखा तो नहीं? नहीं विवान, शौर्य ने बताया था आज से हजारों साल पहले कालोक एक पवित्र स्थान हुआ करता था। हाँ विवान, यहाँ संत महात्मा आकर तपस्या किया करते थे। याद है क्रोधाल, वैसे ही शायद कई संत महात्मा आकर इस पवित्र जगह पे तपस्या किया करते थे। क्या पता उन्होंने ही ये राम मंदिर बनाया हो। याद है बालवी ने हमें एक देवी की कहानी सुनाई थी? एक देवी के साथ ऐसा हुआ था, उनके पति महर्षि ने उन्हें पत्थर की मूर्ति बना दिया था। लेकिन वो ठीक कैसे हुई बालवी? परम शक्तियों के आशीर्वाद। ईश्वर का आशीर्वाद पाकर वो देवी पत्थर की मूर्ति से वापस जिंदा हो गई थी, और इस राम की मूर्ति से भी पानी बह रहा है। इसका मतलब यही है वो अमृत जल जिससे तिमनासा का जादू तोड़ा जा सकता है। कैसे हुआ मेरे हाथों में ये फूल कैसे खिल गया? वो ऐसे हुआ कि तुम्हारे हाथों में जो लोगों को पत्थर बनाने का श्राप था वो अब खत्म हो चुका है।
अब हमें जल्द से जल्द चलकर पाटन मस्ती भरी मम्मी और दीदी को ठीक करना चाहिए। ए, जबान संभाल के बात करो वरना तुम्हारी जबान खींच लूंगा मैं। आके दिखा। अब तुम मेरे नौकर बनोगे। तू मेहमान का नौकर? तू बंदर। बंदर तुम छछुंदर। मस्ती परी, दीदी, मम्मी, इन पर अमृत जल का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? विवान, वो देखो। हम कहाँ हैं? मम्मी। अटल। कल्परी, लगता है इन लोगों को वो मिल गया। अमृत जल। पालवी, इससे पहले इन्हें अमृत जल मिले और ये तमनासा को आजाद करा दे, हमें वो खंडर तोड़ देना चाहिए। मेरी पानी परी, वो खंडर भगवान राम जी का मंदिर है, हम उसे नहीं तोड़ सकते। इसका मतलब राम मंदिर में अमृत जल है। चलो जब पाली। विवान सही कह रहा है, हमें उस मंदिर को नष्ट नहीं करना चाहिए। पत्थर बनते समय तिमनासा ने मुझे एक प्रस्ताव दिया था, आज मैं तुम्हें तिमनासा को बचाने के लिए एक प्रस्ताव देता हूँ। मानवी, आपका जो भी प्रस्ताव होगा हम फौरन मान लेंगे, हमें छोड़ दीजिए। तो अगर तिमनासा को ठीक करना चाहते हो तो बुराई का रास्ता छोड़ दो और अच्छाई के रास्ते पर आ जाओ। वैसे तिमनासा को ठीक करने के लिए तुम लोगों को भगवान राम का अमृत जल इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर ये प्रस्ताव ना माने तो तैयार हो जाओ भयमार, एक और जंग के लिए। पालवी, हमने करुणा जी और खुशी को धरती पर वापस भेज दिया। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन जो विवान ने कर दिखाया है उसे हम सब याद रखेंगे। हाँ विवान, आज तुमने जो किया है उससे हम सबका सर गर्व से ऊंचा हो गया। अब पार्टनरशिप की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। जब आप पत्थर बन गए थे ना तो मुझे ही सामने आना पड़ा था बालवीर की जिम्मेदारी उठाने। वैसे विवान, मैं पत्थर तुम्हारी गलती से नहीं अपनी मर्जी से बना था। क्या मतलब आपने मुझे उकसा कर काम करवाया? अब ऐसे शरारत की मास्टर तो तुम हो मिस्टर विवान, लेकिन थोड़ी बहुत शरारत तो मैं भी कर लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, मेरी संगत का कोई असर तो हुआ आप पे। बालवीर, ये क्या हो रहा है पार्टनर? अरे यूं कुछ करूं? बालवीर, इन
चलो बटर, मस्त करो आपके प्राण, वरना शेर सर आपकी भी शक्तियाँ ले लेंगे, फिर मुझे ही सीनियर वालियर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। आज मुझे विश्वास हो गया है विवान कि तुम भी मुसीबतों का सामना कर सकते हो, और भले ही तुम्हारा तरीका अलग है, तुम्हारा अंदाज अलग है, लेकिन दिल से तुम भी पक्के बालवीर हो। वाह भैरानी वाह, कान लोक में संग्रहालय खोल रही है क्या आप? वैसे ये मूर्ति है कितनी पुरानी? भाई राजा बनने बन गए भाई मामा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कालो पंगे बोलेंगे। वैसे महरानी, मेरे होते हुए आपको वारिस की क्या जरूरत थी? मैं भी तो आपके बच्चे की तरह हूँ, मुझे बना देती वारिस। अरे 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 हो जा, अरे भाई लल्ला हो जा, अरे भाई लल्ला चुप हो जा। है? बहरानी, नन्ही उंगली की कसम, दो दो वारिस? ये कोई वारिस नहीं है। जाओ इन बच्चों को जाकर धरती पर छोड़ कर आओ। क्या बहरानी, आप भी, ये इतना भी बड़ा नहीं हुआ कि आप इन्हें धरती लोक में विद्यालय में भेज दे क्या? जितना कहा जाए उतना करो। तुम करना क्या चाहती हो? आखिर ये दोनों बच्चे पृथ्वी पे करेंगे क्या? तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तुम जाकर इन बच्चों की फौज को पृथ्वी पर खड़ी कर दो, इससे पहले कि वीर लोक वालों को भनक भी लगे। अब बातें कम और काम ज्यादा। कमाल करते हैं, जब समय से पहले भूख नहीं लगती तो समय से पहले टिफिन लेके क्या करोगे मेहता जी? गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग बेटा। दादाजी आप वॉश मशीन को नहला रहे हो, तो बेचारे को साबुन भी लगा दो। ये क्या मजाक है विवान? मजाक मैं नहीं, मजाक तो आप कर रहे हो दादाजी, नेचर के साथ इतना सारा पानी वेस्ट करके। अरे इतना कहाँ, इतना सा तो है। दादाजी इतने इतने से ही पूरा ओशन बनता है। दे दे लेक्चर विवान, मुझे लेक्चर दे दे। जब तेरा पोता तुझे लेक्चर देगा ना, तब तुझे पता चलेगा। दादाजी मेरे पोते की छोड़ो, अगर ऐसे ही पानी वेस्ट करोगे ना, तो थोड़े दिनों में आपके पोते को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा।
अच्छा ठीक है। हाँ, यहाँ तो पानी वेस्ट करने की कंपटीशन चल रही है। मम्मी, बर्तन को स्विमिंग सिखा रही हो? हाँ, कोई पानी के वैल्यू ही नहीं समझता। पता है वर्ल्ड में कितना प्रॉब्लम चल रहा है पानी का? ए, बोलो नहीं, सुनो, नाश्ता तैयार है, हाथ मुंह धो के चलो नाश्ता करने बैठो। मम्मी, नाश्ता करने के लिए हाथ धोने की जरूरत होती है, मुंह धो के पानी वेस्ट क्यों करना? कुछ सुना तूने? क्या हो रहा है? चल चल। अरे ये किसका बच्चा है? इतना छोटा बच्चा यहाँ कैसे आया? अरे अरे अरे, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। ये अरे, इसके होंठ तो कितने सूख रहे हैं, लगता है इसे प्यास लगी है तभी इतना रो रहा है ये। पर ये है कौन? पहले अंदर चल के इसे पानी पिलाते हैं, फिर पता लगाते हैं। चल चल चल, आ जा। चुप हो जा, चुप हो जा। यहाँ विवान, पानी लेकर आ जल्दी। जा। ये कौन है मम्मी? हमारा ब्रांड न्यू भाई है। स्वागत तो करो इसका। चुप कर विवान। अरे बहू, ये किसका बच्चा है? पता नहीं पापा जी, बाहर सीढ़ियों पे रोता हुआ मिला। इतना प्यासा है बेचारा। मम्मी ये लो। और भर और दे। लगता है इसे और प्यास लगी है। ये तो अभी भी रो रहा है। इतना पानी पी के भी अभी भी प्यासा है। इतना छोटा सा बच्चा इतना पानी कैसे पी सकता है? थोड़ा और पानी दे। हाँ बेटा, रो नहीं, रो नहीं, रो नहीं, रो मत। हाँ बेटा। ये भी खाली। कुछ तो गड़बड़ है, इतना पानी पी लिया है फिर भी ये प्यासा है। मुझे लगता है इसकी तबीयत खराब है शायद। अब खुशी, विवान, तुम दोनों जाके जरा बाहर देखो ना, इसके माँ बाप इसे ढूंढ ना रहे हैं। ठीक है मम्मी, चलो। मैं भी मंदिर की ओर जाकर देख के आता हूँ, कहीं इसके माँ बाप मिल गए। तब तक गिरपड़े को बुला के रखो। हाँ 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 पापा जी। हाँ हाँ बेटा, रो नहीं, रो नहीं, रो नहीं। हेलो, हाँ गिरपड़े जी, मैं करुणा। होते हुए बालवीर को कुछ नहीं हो सकता। ये क्या कह रही हो मस्ती परी? जिमनासा का मुकाबला तो हम सब ने मिलकर किया है ना? फिर भी किसी एक परी को सर्वश्रेष्ठ परी का पुरस्कार मिलना चाहिए। वो परी जिसने वर्ष भर में अपने साहस का परिचय दिया हो, जैसे कि मैंने मक्खी परी बनकर विवान पर नजर रखी। अच्छा, तो तुम यहाँ अपनी बात कर रही थी? क्यों, ऐसे तो साहस का परिचय हम सभी ने दिया है। दिया होगा, पर मेरे जितना नहीं। ऐसे तो मैंने भी विवान के सूर्य अंश को ठंडा किया था। बस इतना ही पानी परी? इसमें तो डूबा डूबा तुमसे जीत सकते हैं। मस्ती परी, बालवीर, ये मस्ती परी क्या कह रही है? मस्ती परी मजाक कर रही है पानी परी। हाँ पानी परी, सर्वश्रेष्ठ परी जैसा कोई भी पुरस्कार नहीं होता। परीलोक की हर परी सर्वश्रेष्ठ है। बालवीर,
हाँ शौर्य। मुझे धरती पर एक संदिग्ध परिस्थिति के होने का एहसास हो रहा है। कैसी संदिग्ध परिस्थिति शौर्य? धरती लोक पे अचानक से ही बहुत से छोटे छोटे बच्चों को देखा गया है। मुझे संदेह है कि इन सब के पीछे तिम्नासा की कोई चाल है। तुम्हें धरती लोक जाकर इसका पता लगाना होगा।